स्टूडेंट, आई होप सो अब तक हमने जो भी पढ़ा होगा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। आई एक्सपेक्ट कि अब तक आपने बहुत सारे डीपीपीएस में क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए होंगे, ठीक है। कुछ अब जो बात करते हैं हम, ठीक है, वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे ही आते भी हैं, आप भी चुके हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो पहले ये समझिए आखिर मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है। हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, जेई मेंस और जेई एडवांस के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 3 क्लास का ही फर्क आता है उनके टॉपिक्स में, जो मेंस में नहीं है। ये सब टॉपिक मेंस के अंदर नहीं आते, ये सब प्योरली एडवांस के टॉपिक है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि अगर मैंने मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली मॉनिटरिंग का मतलब जस्ट टू वॉच, आप किसी चीज को देखते रहना। अगर मैंने आपको मैंने बोला आपको एग्जाम डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग करना है एग्जाम हॉल में, तो आप क्या करोगे भैया, आप ये देखो कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, सब अच्छे से एग्जाम दे रहे, मतलब यू विल जस्ट वॉच। उसी तरीके से किसी की प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को मॉनिटरिंग करना, मतलब आपको ये देखना है कि ये देखना भाई टी इक्वल टू 0 पे क्या हुआ है, कंसंट्रेशन आपने कितना लिया, टी इक्वल टू टी पे आपने कितना क्या क्या आपको फाइंड आउट हो रहा है, टी वन पे कितना मिल रहा है, टी टू पे कितना मिल रहा है, और फाइनल टी इनफिनाइट पे या जो भी मेरा फाइनल टाइम है उस पे क्या क्या मिल रहा है। तो जस्ट हम क्या करते हैं, हम प्रोग्रेस चेक करते हैं रिएक्शन के लिए, और ये बेसिकली ये जितना भी रिएक्शन होता है ये मेनली फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये भी मैं बता देता हूँ, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ही होता है, ठीक है। मुझे पता फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है k = 1/T ln a0/at, ठीक है। अब ये बताओ a0/at को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, a0/at को मैं वेट के फॉर्म में लिख, आखिर देखो a0/at क्या है, कंसर्न मोल्स का रेशियो है, और किसी चीज का रेशियो की यूनिट क्या होती है, यूनिट लेस होती है। यही एक अच्छी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि आप a0/at को वेट से भी रिप्लेस कर सकते हो, आप इसको मोल से भी रिप्लेस कर सकते हो, आप इसको मोलरिटी से भी रिप्लेस कर सकते हो, मोलरिटी अपन मोलरिटी, आप इसको नॉर्मलिटी से भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 से रिप्लेस कर सकते हो, आप इसको प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, आप इसको वॉल्यूम से भी रिप्लेस कर सकते हो, आप इसको एंगल ऑफ रोटेशन से भी रिप्लेस कर सकते हो, किससे, एंगल ऑफ रोटेशन, जो आपने आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़ा था ना वो। तो अब हमारे लिए ये हमने ऑलरेडी कवर कर, अब तक हमने जो भी क्वेश्चन किए मोल्स और मोलरिटी के ऊपर किए, अब जो हमें पढ़ना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेशर वॉल्यूम और एंगल ऑफ रोटेशन, इनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस देखना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये तो चीजें हमने पहले डील कर चुके हैं मोलरिटी और मोल्स से, ठीक है। कभी कभी वेट के फॉर्मेट में अगर देखो ये मोल्स वाले टर्मिनोलॉजी है, मान लो अगर एक ही कंटेनर में लिया और ये रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रहा है तो वी तो कैंसिल हो जाएगा, मोलरिटी के टर्म में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ वी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर नीचे, ऊपर क्या होगा इनिशियल मोल्स में फाइनल मोल्स, तो मोलरिटी मोल्स से एक ही बात हुई, ठीक है। आप समझो क्या मैं इसको वेट के रिप्रेजेंट में कर सकता हूँ, बिल्कुल, अगर मैंने मोलिकुलर वेट से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वेट के फॉर्मेट में हो जाएगा। तो रेशियो को आप किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम कुछ डिस्कशन करते हैं प्रेशर, आखिर हमारे लिए प्रेशर 1, 2, 3, 4, ये चार चीजें हमें डिस्कशन करनी है इसमें, ठीक है, क्या कि इनके ऊपर फर्स्ट ऑर्डर में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम के पहले बात करते हैं, प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो आखिर आप इन चीजों को कैसे डील करोगे, ठीक है। सपोज करो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर है तो इसका मतलब ये सिर्फ गैसेस रिएक्शन के लिए डील होगा, किसके लिए डील होगा, गैसेस जैसे a+2b गैस प्लस मान लो कोई c गैस, ठीक है, सी गैस है मेरा, ठीक है, सपोज करो इस तरीके से दिया हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मुझे पता फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला क्या है, k1/t ln a0/at, बस आपका मेजर फोकस क्या रहेगा, a0/at को आपको रिप्लेस करना है प्रेशर से, किससे रिप्लेस करना है, प्रेशर से रिप्लेस करना, आपका मेन फोकस यहीं पे होगा, ठीक है। तो देखो
क्वेश्चन का कोई एंड नहीं है बेटा, इसी क्वेश्चन में मैं आपको 10 क्वेश्चन करा सकता हूँ, कोई एंड नहीं है। लेकिन तीन, मैंने क्या बोला, मॉनिटरिंग में आपको तीन स्टेप हमेशा लिखने हैं। इनिशियल कितना था, टाइम टी पे क्या हुआ, और टाइम इनफाइनाइट पे क्या था, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का टाइम कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। आपको ये भी पता है कि इनिशियल टाइम पे आपके पास सिर्फ कंटेनर में क्या रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा। टाइम टी पे आपके पास क्या रहेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों रहेंगे। और टाइम इनफाइनाइट में मतलब रिएक्टेंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, प्रोडक्ट बचेगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन देगा टाइम टी पे, मान लो अगर प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्रेशर देगा, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम तो वॉल्यूम देगा, एंगल ऑफ रोटेशन से रिलेटेड तो एंगल ऑफ रोटेशन देगा। बस हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, बस ये चीजें रिप्लेस हो जाएंगे और कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, आपको एग्जांपल देता हूं मैं। इनिशियली प्रेशर पी नॉट था, तब ये जीरो जीरो तब कुछ नहीं था। टी इक्वल टू टी पे पी नॉट माइनस, चलो पी नॉट माइनस पी वन में मानता हूँ, पी वन निकला तो ये कितना बनेगा, टू पी वन, और ये क्या बनेगा, पी वन। और टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, टू पी नॉट बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, पी नॉट बन जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, के इक्वल टू वन बाई टी एल एन, अब ऊपर तो क्या था, इनिशियल मोल्स थे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, इनिशियल टाइम जीरो पे ए नॉट था, तो यहाँ पे ए नॉट की जगह क्या आ जाएगा, पी नॉट आ जाएगा। और टाइम टी पे क्या था, एटी था, मतलब ये आपके किसके बराबर हो गया, पी टी के बराबर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट माइनस पी वन। ठीक है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में बहुत सारे कर सकता हूँ। सपोज करो पहला क्वेश्चन मैंने दिया, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। एक बात और, इस टाइप के क्वेश्चन जेई एडवांस में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों, क्योंकि जेई एडवांस में मोस्ट प्रोबेबली आपसे न्यूमेरिकल नहीं देगा, इस फॉर्मेट में आपसे हमेशा डेरिवेशन एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए बोलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका काम हमेशा यह, ये तीन स्टेप हमेशा पहले लिखो, पहले ये तीन स्टेप लिखो, बाद में क्वेश्चन से रिलेट कर दो। कैसे, पहला क्वेश्चन समझा रहा, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज पी टू, इनिशियल इज पी टू दिया हुआ है। ठीक है, एंड प्रेशर आफ्टर टाइम टी, एंड प्रेशर आफ्टर टाइम टी, एंड प्रेशर आफ्टर टाइम टी ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट इज पी थ्री, इज पी थ्री, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ के, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ के, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ के। तो कुछ नहीं करना था मुझे। ठीक है, के वन बाई टी एल एन, पी नॉट की जगह उसने क्या दे दिया, पी टू, तो पी टू ऊपर लिख दूंगा मैं, और नीचे क्या हो जाएगा, टाइम टी के बाद रिएक्टेंट कितना है, पी थ्री, तो पी नॉट माइनस पी वन किसके बराबर है, मेरे पी थ्री के बराबर। मतलब कुछ नहीं है, पी नॉट की जगह मेरा क्या हो चुका है, पी टू हो चुका है, और पी नॉट माइनस पी वन की जगह मेरा क्या हो चुका है, रिएक्टेंट का पी थ्री, तो पी टू बाई पी थ्री, सिंपल सर। तो आपको बस यही देते रहना, इनके अलावा कुछ वो मतलब ये इसी फॉर्मेट में करना, और कुछ ना कुछ वो जो वैल्यू देता जाएगा, आप कुछ ना कुछ हर चीज में कोई कंडीशन लगा देगा, किसी चीज में कंडीशन लगा तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे फिर से अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि अगर मान लो इनिशियल प्रेशर इज पी टू, ठीक है, अब क्या है मेरा, इनिशियल प्रेशर इज पी टू है, इनिशियल प्रेशर पी टू है, एंड टोटल प्रेशर, एंड टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, एंड टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी इज पी थ्री, आफ्टर टाइम टी इज पी थ्री। ठीक है, अब सपोज करो उसने ये दिया क्वेश्चन कि इनिशियल प्रेशर पी टू बोला, सेम क्वेश्चन है, लेकिन कंडीशन क्या लगा दी, इनिशियल प्रेशर पी टू और टोटल प्रेशर पर टाइम टी, डिराइव एक्सप्रेशन। अब आपको क्या करना है, फिर से डिराइव करना है। तो आफ्टर टाइम टी टोटल प्रेशर आपके पास कितना हो जाएगा, तो पी नॉट माइनस पी वन, पी वन कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा पी नॉट प्लस टू पी वन, ये आपके पास टोटल प्रेशर। मतलब अगेन पी नॉट की वैल्यू उसने किसके बराबर दी है, पी टू के बराबर दी है, और पी पी टी उसने कितना दिया है, आफ्टर टाइम टी पी थ्री, पी थ्री की वैल्यू किसके बराबर है, पी नॉट प्लस टू पी वन के बराबर है। ठीक है, और पी नॉट मेरे किसके बराबर है, पी टू के बराबर है, पी टू प्लस टू पी वन पी थ्री, तो मैं क्या पी वन को लिख सकता हूँ, पी थ्री माइनस पी टू बाय टू, पी थ्री माइनस पी टू बाय टू। ठीक है, मुझे फॉर्मूला क्या है, एल एन, सॉरी के बराबर क्या होता है, वन बाई टी एल एन, पी नॉट
माइनस पी नॉट माइनस पी वन, पी नॉट माइनस पी नॉट माइनस पी वन, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 बाई टी एल एन, ठीक है। पी नॉट को क्या लिख दूंगा मैं, पी टू लिख दूंगा, पी टू माइनस पी वन की वैल्यू कितनी है, पी थ्री माइनस पी टू बाय टू। क्या इस तरीके से मेरा एक्सप्रेशन नहीं आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना एक्सप्रेशन इस तरीके से। तो अगर मैं बात करूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मेरा 1 बाई टी एल एन ट्वाइस ऑफ पी टू बाई ट्वाइस ऑफ पी टू माइनस पी थ्री, ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो जनरली जी एडवांस में एक्सप्रेशन टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, सेम इसी में और कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, बेसिकली और समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अब मान लो मैंने क्या कर दिया, और कंडीशन मैंने चेंज कर दी कि इनिशियल प्रेशर इज पी टू एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज पी थ्री, ठीक है, इज पी थ्री। अब कंडीशन कुछ और है, ठीक है। अब यहां पे अगेन फिर से आपको पी नॉट और पी वन को रिप्लेस करना है इन डाटा से, ठीक है। तो अगेन पी नॉट तो मेरा किसके बराबर है, पी टू के बराबर, लेकिन ट्वाइस ऑफ पी वन जो होगा मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट टाइम टी, हाँ सॉरी, एट टाइम टी इज पी थ्री, मतलब इन बिटवीन द टाइम, मतलब टू पी वन किसके बराबर हो गया, पी थ्री के बराबर। तो क्या मैं पी वन को लिख सकता हूँ पी थ्री बाय टू, तो अगेन क्या लेंगे, के का एक्सप्रेशन क्या है, एल एन वन बाय टी पी नॉट पी नॉट पी नॉट माइनस पी वन, ठीक है। तो इसको रिप्लेस हो जाएगा वन बाय टी एल एन पी टू बाय पी टू माइनस पी वन ना, तो पी थ्री बाय टू, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और मान लो एक और क्वेश्चन इसी में अगेन, ठीक है। अब मैं और डिफरेंट कंडीशन दे रहा हूँ, डिफरेंट कंडीशन कह रहा हूँ कि टोटल प्रेशर ठीक है, टोटल प्रेशर एट टाइम टी, टोटल प्रेशर एट टाइम टी इज पी टू एंड आफ्टर sufficient time and after sufficient time total is P3. Time T पे उसने total pressure P2 दिया हुआ, और after time T sufficient pressure जो है, after sufficient time total pressure उसने P3 दिया हुआ, फिर भी आपको क्या करना है, again derive the expression, तो समझो, तो at time T पे आपके पास क्या value होगी, P0 प्लस ट्वाइस ऑफ पी वन, ये किसके बराबर है, पी टू के बराबर है, चलो ठीक है। आफ्टर सफिशिएंट टाइम टी मतलब टी इनफिनिट पे, मतलब ट्वाइस ऑफ पी नॉट प्लस पी नॉट, मतलब ट्वाइस ऑफ पी नॉट प्लस पी नॉट किसके बराबर है, पी थ्री के बराबर है। तो क्या मैं पी नॉट को क्या लिख सकता हूँ, पी थ्री बाय थ्री, चलो पी नॉट को पी थ्री बाय थ्री लिख लिया। तो अगेन ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पी थ्री बाय थ्री प्लस ट्वाइस ऑफ पी वन इक्वल टू पी टू, तो ये पी वन बराबर हो जाएगा पी टू माइनस पी थ्री बाय थ्री डिवाइडेड बाय टू, ये मेरा वैल्यू हो जाएगा। अगेन एक्सप्रेशन में पुट करिए वन बाय टी एल एन पी नॉट माइनस पी नॉट माइनस पी वन, तो वन बाय टी एल एन ये क्या हो जाएगा पी थ्री बाय थ्री, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा पी टू माइनस पी थ्री बाय थ्री डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू, तो ये कितना हो जाएगा एट पर्सन में वन बाय टी एल एन ट्वाइस ऑफ पी थ्री डिवाइडेड बाय थ्राइस ऑफ पी थ्री माइनस पी टू, ठीक है, थ्राइस ऑफ पी थ्री माइनस पी टू, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो क्या डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन, करना हमें यही है, वो देखा तीन बातें याद रखना, हमेशा तीन कंडीशन को देगा, टाइम जीरो पे क्या देगा, या तो टाइम टी पे कुछ देगा, तो इनफाइनाइट कुछ देगा, या तो किसी का पार्शियल प्रेशर चेंज कर देगा। तो ज्यादा ज्यादा इतनी ज्यादा वैरायटी हो सकती है, ज्यादा कोई वैरायटी हो नहीं सकती, ठीक है। अभी देखो क्या है,
अभी सिर्फ मैंने गैसेस रिएक्शन दिया, हो सकता है वो गैस के साथ सॉलिड भी दे दे, हो सकता है वो लिक्विड भी दे दे, लेकिन सॉलिड लिक्विड का अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब कुछ वेपर प्रेशर नहीं दिया, क्योंकि देखो सॉलिड लिक्विड का पार्शियल प्रेशर नहीं होता, सॉलिड लिक्विड का हमेशा वेपर प्रेशर होता है, अगर वेपर प्रेशर दिया हुआ तो बैलेंस गुड है, उसको इंक्लूड करेंगे, उसको इंक्लूड करना है, फिर उसको नेग्लेक्ट नहीं करना, और अगर नहीं दिया सॉलिड लिक्विड सिर्फ दिया तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ ऐसा भी, ठीक है, ताकि आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ में आए अच्छे से। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है 2A गैस टेंस टू 3B गैस, 3B गैस प्लस 4C गैस प्लस D सॉलिड है और E लिक्विड है, E आपका क्या है लिक्विड, D सॉलिड और E आपका क्या है लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल प्रेशर डेवलप इन द कंटेनर, इनिशियल प्रेशर डेवलप्ड इन द कंटेनर इनिशियल प्रेशर डेवलप इन द कंटेनर इज पी नॉट, ठीक है, एंड टोटल प्रेशर एट टाइम टी एंड टोटल प्रेशर एट टाइम टी एंड टोटल प्रेशर एट टाइम टी इज पी वन इफ वेपर प्रेशर ऑफ ई इज पी टू देन डिराइव expression of k, then derive expression of k, ठीक है, ठीक है, again reaction लिख लेते हैं, 2A gas tends to 3B gas plus 4C gas plus D solid plus E liquid, तो इस तरीके से दिया हुआ है, initial pressure उसने क्या दिया हुआ है इसका P naught, time equal to T0 T equal to T और T equal to infinite, ठीक है, initial pressure P naught था तब ये 0 0 0 कुछ नहीं बना होगा, ठीक है, but P naught minus suppose करो 2P लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे P1 ले लिया तो 2P ले रहा हूँ मैं, तो ये कितना बनेगा 3P 4P तब ये 0, क्योंकि ये vapor pressure नहीं है, और इसका vapor pressure है vapor pressure of E, ये vapor pressure of E is P2 दिया हुआ, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ E इज P2, हाँ यहाँ पे P2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे P2 होगा, T इनफिनिट में ये 0 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 3P0, ये कितना हो जाएगा 3P0, हालांकि मेरे को इनफिनिट टाइम की जरूरत नहीं है, मेरा दो टाइम से काम खत्म हो जाएगा, बाकी उसने बोला नहीं है, ठीक है, इनिशियल प्रेशर डेवलप इस कंटेनर इतना, टोटल प्रेशर एट टाइम टी, तो टोटल इनिशियल प्रेशर तो P0 दिया हुआ, टोटल प्रेशर मतलब P naught माइनस 2P प्लस 3P प्लस 4P प्लस P2 इज इक्वल टू P1 के बराबर है, ठीक है, 2P मतलब 4, 7, तो P naught प्लस 5P प्लस P2 इज इक्वल टू P1, ओके, नाउ मुझे निकालना है P की वैल्यू, तो P बराबर हो जाएगा P1 माइनस P2 माइनस पी नॉट बाय 5, ठीक है, ये पी की वैल्यू हो जाएगी, और के का एक्सप्रेशन ओरिजिनल में क्या रहता 1/T ln P नॉट माइनस पी, क्योंकि P1 की जगह P1 ऑलरेडी उसने लिया हुआ है, ठीक है, तो P1 नहीं ले सकते, उसकी जगह हम पी ली है, तो अब 1/T ln P नॉट तो P नॉट रहेगा, एज इट इज P1 P को क्या लिख सकता हूँ P1 माइनस P2 माइनस P नॉट बाय, ये मेरे क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, हाँ, देखो यहाँ पे 2p है ना, तो सॉरी माय मिस्टेक है ना, तो यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा, देखो गलती है, p नॉट माइनस 2p करेंगे, ठीक है,
P0 minus 2P. इनिशियल प्रेशर A0 by AT, तो P0 by PT, PT क्या है मेरा P0 minus 2P. अगेन अगर जो स्टैचोमेटर है उसको स्टैचोमेटर आपको कंसीडर करना पड़ेगा, तो सेम क्वेश्चन इस टाइप का होगा, ठीक है। तो ये मेरे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, मैक्स टू मैक्स प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है वो आएगा वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात कर ले वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम, देखो जो थोड़ा बहुत परेशानी होगा वो आपको प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम में, क्योंकि इनमें कोई कंफर्म फॉर्मूला नहीं होता है, तो वो कंडीशन लगा के आपको खुद एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़ेगा, या न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई तो आपको पहले डिराइव करके फिर न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना। बाकी सारे में क्या है, आपको फॉर्मूला फिक्स है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, फॉर्मूला पुट करिए डायरेक्ट आंसर निकालिए, बाकी कोई चीजें घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या है, देखो वॉल्यूम रिलेटेड वॉल्यूम को अब देखो मेरा रेशियो किसका था, मोल्स बाय मोल्स का या मोलरिटी, मोलरिटी मतलब मैं डायरेक्टली मोल्स बोल सकता हूं। तो आप पीवी इक्वल टू एनआरटी से कंपैरिजन करिए, अगर टेंपरेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, तो क्या वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेंपरेचर, सिर्फ इसी कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ द गैस मोल्स ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। अब ये अप्लाई कब करना है, तो अप्लाई आपको तब करना है कि रिएक्टेंट साइड में कोई भी गैस नहीं होना चाहिए, कौन ध्यान से सुनना, यहां पे क्या था, यहां पे गैसेस रिएक्शन ही होता है, ठीक है, मतलब कम से कम दोनों तरफ एक एक गैस तो होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड में एक भी गैस नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में कम से कम एक गैस होना चाहिए, ध्यान से समझो, रिएक्टेंट साइड में एक भी गैस नहीं होना चाहिए और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक गैस होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन किसका बनेगा, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम, समझ में आ गया। तो मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे सपोज करो ट्वाइस ऑफ N2O5, आपके डीपीपी नंबर 2930 में इसमें बहुत सारे आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेंगे। तो वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम पहचानने का तरीका, रिएक्टेंट साइड एक भी आपका गैसेस टर्म नहीं रहेगा और प्रोडक्ट साइड में कम से कम एक गैस टर्म है, दो से ज्यादा मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा एक्वस 4NO2 एक्वस, 4NO2 एक्वस प्लस O2 गैस, ठीक है। अब बोलोगे सर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या देखो इनिशियली टाइम टी जीरो पे कुछ आपको वॉल्यूम क्या रहेगा, कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, टाइम जीरो पे वॉल्यूम कभी भी इसका नहीं दिया रहेगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल टाइम जीरो पे O2 गैस का वॉल्यूम जीरो रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो टर्मिनोलॉजी A0 by AT की जगह आपको क्या आएगा, A0 by AT की जगह V0 by VT, मतलब V0 एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, V0 तो यहाँ इंक्लूड आप कर नहीं सकते, V0 आप यहाँ पे इंक्लूड कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली V0 हमेशा गैस का क्या रहेगा, जीरो। तो इसी का, क्योंकि समय के साथ धीरे 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 वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो जब ऐसा देखा, क्योंकि ऑर्डर क्या एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी होने की वजह से जब इसका वॉल्यूम को स्टडी किया गया और फर्स्ट ऑर्डर के वैल्यू में पुट किया गया तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मिला था। इसलिए मॉनिटरिंग का मतलब क्या था, मॉनिटरिंग का मतलब सिर्फ देखना, आपने टाइम टी जीरो पे वॉल्यूम देखा तो कुछ नहीं था, टाइम टी वन पे वॉल्यूम था, T2 पे वॉल्यूम V2 था, T3 पे V3 था, समझो इस तरीके से आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमने क्या किया, वो K के वैल्यू में पुट किया, फर्स्ट ऑर्डर K = 1/T N0/AT, उसी तरीके से मैं एक एक्सप्रेशन डिराइव करूंगा, उस तरीके से वहां पे क्या हमने वॉल्यूम पुट किया, तो इस तरीके से वॉल्यूम हमने देखा कि ये K1 = K2 वाला फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले से, इस तरीके से इस वॉल्यूम को स्टडी करके हम इस टाइप के प्रॉब्लम को बोलते हैं वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। या तो ये होगा, या तो अमोनियम नाइट्रेट होगा NH4NO2 सॉलिड, ये आपको दे देगा N2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड है, ठीक है। C6H5 N2Cl, देखो रिएक्टेंट साइड में भी आपको गैस नहीं मिलेगा, ठीक है, C6H5Cl एक्वस प्लस N2 गैस, ठीक है। तो जो भी इस टाइप के जो रिएक्शन की जो ऑर्डर स्टडी की जाती है, इस टाइप के रिएक्शन की जो काइनेटिक्स स्टडी की जाती है, वो सिर्फ इस गैस के वॉल्यूम पे डिपेंड होता है सारी चीजें, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ या ट्वाइस ऑफ H2O2 एक्वस, ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड देगा प्लस O2 गैस देगा, ठीक है।
ओवरऑल मैं ऐसा बोल सकता हूँ कोई सॉलिड है, ठीक है, बाद में मुझे क्या मिले, 3B गैस मिल गया, सपोज करो कोई ऐसा मिल गया, सी सॉलिड मिल गया, ई लिक्विड मिल गया, ठीक है, कोई ऐसा रिएक्शन है। मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट साइड में एक भी गैस नहीं रहेगा, प्रोडक्ट साइड में मिनिमम एक गैस होना चाहिए, एक से ज्यादा रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ काइनेटिक्स ऑफ ऑल अबव रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ ऑल अबव रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ ऑल अबव रिएक्शन इज स्टडीड बाय द इज स्टडीड बाय द मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस, मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस, मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। तो आपको जो मैंने प्रॉब्लम कराए थे ना कि इतने चार्ट में, तो ठीक है यहाँ पे कुछ नहीं, वहां कंसंट्रेशन था T1 T2 T3, यहाँ पे वॉल्यूम रहेगा, तो K1 K2 जो हमने फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाया था, K1 K equal to 1 by T ln A0 by T, उसी तरीके से फॉर्मूला निकलता है V∞ by V∞ - VT, मैं बताऊं वो कैसे निकलता है। तो इस तरीके से हमने जब पुट करके देखा तो मुझे ये मिला कि ये फर्स्ट ऑर्डर के रिश्ते, जो बेसिकली जो काइनेटिक्स स्टडी की जाती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे गैस का वॉल्यूम निकाला जाता है, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, जैसे twice of N2O5 tends to give 4 of NO2 plus O2, ठीक है। चलो इनिशियली T equal to 0 पे ये क्या था, A0 था, T equal to T पे ये 0 था, A0 minus 2x बनेगा, ये कितना बनेगा 4x बनेगा, और ये कितना बनेगा x बनेगा, ठीक है। तो k का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाते थे, 1 by T ln A0 by A0 minus 2x, ये फॉर्मूला लगता था मेरा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा A0 और A2 को, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसमें मैं मान रहा हूं कि इफ वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कलेक्टेड एट टाइम टी इज VT, एट टाइम टी इज VT एंड वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कलेक्टेड एट टाइम इनफाइनाइट इज कितना हो जाएगा, V इनफाइनाइट, वी नॉट कभी भी यहाँ पे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इनिशियली प्रोडक्ट हमेशा टाइम जीरो पे प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, जीरो माना जाता है, ठीक है। मुझे पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, अब आपको इसको हटाना, रिप्लेस करना VT और V∞ से, ठीक है। तो मुझे पता है इनिशियली जब A0 था तो A0 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक चीज गलती कर दी, ठीक है, T इनफाइनाइट का तो लिखा ही नहीं, ये जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2i of a0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा a0 by 2, क्योंकि 1:2 का रेशियो है, तो ये पूरा a0 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 a0 1:2 का रेशियो, और ये a0 और ये इसका हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा a0 by 2। तो बराबर अब फॉर्मूला बनता है k बराबर 1 by t ln a0 minus a0 minus 2x, ठीक है। अब मुझे x भी हटाना है, a0 भी हटाना है, ताकि मेरा फॉर्मूला VT और V∞ के फॉर्मेट में, ठीक है। अब A0 तो मेरा है नहीं, ठीक है, तो मुझे पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि A0 माइनस 2x जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा VT के होगा, ठीक है, A0 माइनस 2x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे NO2 तो मेरा क्या है, मेरा लिक्विड है, तो मैं किसको कंसिडर करूंगा, गैस को, और मुझे पता है V इनफाइनाइट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, A0 बाय 2, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू N, तो मुझे मतलब तो सिर्फ गैस से है, तो क्या मैं A0 को लिख सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ऑफ V∞, क्या मैं A0 को लिख सकता हूँ क्या ट्वाइस ऑफ V∞, और ऐसा नहीं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो टाइम T पे
क्योंकि मेरा प्रोडक्ट क्या था, एक्स था, मुझे मतलब सिर्फ गैस से, मैं ये नहीं कंसिडर करूंगा। काइनेटिक्स मुझे स्टडी किससे करनी, ओटू के, ओटू से स्टडी करनी, माय मिस्टेक, थोड़ा गलत चला गया था मैं, काइनेटिक्स स्टडी करनी मुझे ओटू से, तो टाइम टी पे भी मैं ऑब्जर्व किसको करूंगा, ओटू को करूंगा, तो यहाँ पे मेरा मोल कितना था, एक्स था, तो आपको कितना मिलेगा, वी टी मिलेगा, और टाइम इन्फाइनाइट पे, ठीक है, मोल्स आपके कितने थे, ए नॉट बाय टू थे, और वो समय वॉल्यूम कितना था आपका, वी इन्फाइनाइट था, ठीक है, कितना था, वी इन्फाइनाइट था, तो मैं बोल सकता हूँ k1 by t ln a नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, twice of v infinity minus a नॉट minus 2x, a नॉट minus क्या है मेरा, 2x है, तो ये मेरा हो जाएगा twice of v infinity minus x क्या हो जाएगा, minus 2 v, x को क्या लिख सकता हूँ, vt लिख सकता हूँ, 2 common से लेके cancel, तो 1 by t ln v infinite by v infinite minus vt, ये आपका क्या बन जाएगा, exact फॉर्मूला बनता है। तो आपको जनरली क्या दिया जाएगा क्वेश्चन में, या तो ये टर्म दिया जाएगा, ये टर्म दिया जाएगा, ये टर्म दिया जाएगा, तो वीटी पूछेगा आपसे, या वीटी भी इनफाइनाइट देगा, टाइम देगा, तो के पूछेगा, तो आपसे इसी तरीके से क्या बनता है, क्वेश्चन बनते हैं आपके। दिस इज योर वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम, फिर से समझाना, क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, तो मुझे ऑब्जर्व, क्योंकि ये पूरे रिएक्शन का काइनेटिक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, O2 के गैस के ऊपर डिपेंड करेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मुझे O2 का वॉल्यूम कितना मिल रहा है, तो मुझे ये मिला कि O2 का टाइम t पे मोल्स x था, तो वॉल्यूम कितना था, vt, और टाइम इनफिनिट पे मोल्स कितने थे, a0 by 2, तो वॉल्यूम कितना था, v इनफिनिट, तो यहां समझे n का वैल्यू मिला, यहां समझे x का वैल्यू मिला, दोनों को पुट किया, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई बट ये एक्सप्रेशन और ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलो, इस टाइप के प्रॉब्लम आपको डीपी में बहुत सारे मिलेंगे, सॉल्व करिएगा उनको और फिर हम उनके डाउट सेशन करेंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारा जो है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन मेथड, रेडॉक्स टाइट्रेशन मेथड, रेडॉक्स टाइट्रेशन मेथड। देखो, रेडॉक्स टाइट्रेशन हमने पहले ही मोल कॉन्सेप्ट में करा हुआ, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पता है अननोन वॉल्यूम का सॉल्यूशन हम नीचे लेते हैं और नॉन वॉल्यूम का सॉल्यूशन हम ब्यूरेट में रहते हैं, तो कुछ नहीं, या तो ऑक्सीडाइजेशन अननोन कर देगा या तो रिड्यूसिंग एजेंट अननोन कर देगा और कुछ नहीं करता। टाइट्रेशन का मतलब ही कहते हैं इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन एजेंट बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो फिलहाल में आपको क्या करना है, या तो आपको डिफरेंट, आपको इसका कंसंट्रेशन, मान लो ब्यूरेट में मैंने मान लो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखा और बीकर में मैंने कोई रिड्यूसिंग एजेंट रखा, तो रिड्यूसिंग एजेंट मैं क्या कर रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट का मुझे कोई चीज पता नहीं, लेकिन ये मुझे पता है कि इसका जो भी वॉल्यूम होगा वो इसके बराबर होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस इनके बराबर है, तो इसका क्या करूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पर मुझे क्या पता रहेगा, वॉल्यूम पता रहेगा, और उसी वॉल्यूम से मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी स्टडी कर सकता हूँ। कैसे, अभी मैं समझाता हूँ, पहले लिख देता हूँ मैं, इन दिस मैथड सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इज solution of reducing agent, solution of reducing agent is treated with solution of oxidizing agent and volume of oxidizing agent and volume of oxidizing agent and volume of oxidizing agent at different time interval requires for titration will be given in the problem। चलो एक बात बताओ, अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम कौन कौन सा देगा, इसका मतलब यहाँ पे क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट
शुरू से यूज कर रहे हैं, मतलब वी नॉट भी आपको पता रहेगा, वी टी भी पता रहेगा, और किसी टाइम जब पूरा खत्म हो जाए तो वी इनफाइनाइट भी आपको पता रहेगा कि मान लो टाइम इनफाइनाइट कुछ कुछ बहुत ज्यादा टाइम के बाद क्या होता है, वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, इक्विवेलेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के और प्रोड्यूसिंग एजेंट के बराबर हो सकता है। आपको तीनों के टाइम पे वॉल्यूम आपको दिया जाएगा। याद रखना वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम में, सिर्फ वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको वी नॉट और वी इन्फिनिटी दिया जाता है, वी टी और वी इन्फिनिटी दिया जाता है, इसमें आपको वी नॉट, वी इन्फिनिटी और वी टी तीनों पता रहेगा। ठीक है, तो जैसे सपोज करो, मान लो मैं एक बार इसकी बात करता हूँ, H2O2 गैस, ठीक है, H2O2 एक्वस मान लेते, चलो ये एक्वस के फॉर्म में क्योंकि रेडॉक्स है ना, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड प्लस O2 गैस। ठीक है, इसको क्या करूं, ये मेरे पास पर अननोन सॉल्यूशन है, तो ये क्योंकि मुझे पता है H2O एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव भी कर सकता है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें ये अननोन सॉल्यूशन को मैं कोई नॉन सॉल्यूशन ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या कराता हूं, टाइट्रेट कराता हूं बस, और कुछ नहीं। जहां अब A0 की जगह क्या हो जाएगा, N0 आ जाएगा बस, मतलब इन्फिनिटी वगैरह, बी इन्फिनिटी वगैरह आ जाएगा। अभी आपको मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, आपको डेरिवेशन से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो कि आखिर हमें क्या 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 करना रहता है। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ, काइनेटिक्स ऑफ द अबव रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ द अबव रिएक्शन इज स्टडीड बाय, ठीक है, इसको कैसे स्टडी करेंगे, क्योंकि ये अननोन है, तो मैं कोई नॉन सॉल्यूशन, कोई मुझे जिसका कंसंट्रेशन पता होगा वो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन को मैं टाइट्रेट कराऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो मैं सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूंगा, या अगर सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, अगर मैंने रिड्यूसिंग एजेंट लिया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा, और अगर मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, मतलब फॉर अ नॉन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज टेकन, देन इट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, बाय टाइट्रेटिंग द गिवन रिएक्शन मिक्सचर विथ अ गिवन रिएक्शन मिक्सचर With a standard solution of KMnO4, standard solution of KMnO4 requires for titration at different time interval, will be given in the problem, ठीक है, मतलब मैं क्या करूंगा, इस गिवन रिएक्शन मिक्सचर को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, मतलब कोई नॉन कंसंट्रेशन का KMnO4 का सॉल्यूशन टाइट्रेट कराऊंगा डिफरेंट टाइम इंटरवल पे। इस तरीके से मैं क्या करता हूं, इसके स्टडी करता हूं काइनेटिक्स की। ठीक है, तो मुझे क्या-क्या पद गिवन रहेगा, वी नॉट गिवन रहेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट टाइम t = 0, मुझे क्या दिया रहेगा, Vt दिया रहेगा जो टाइम t पे रहेगा, किस पे रहेगा, टाइम t पे रहेगा, और v इनफाइनाइट दिया रहेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट t = इनफाइनाइट। ठीक है, t = इनफाइनाइट, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सॉरी, अब v इनफाइनाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर तक तो जाता ही नहीं है, v इनफाइनाइट मतलब, सॉरी यार माय मिस्टेक, t इनफाइनाइट की जरूरत यहां नहीं पड़ेगी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में पड़ सकता है, सॉरी एसिडिक उसमें पड़ सकता है, रेडॉक्स में, और इसमें वी इनफाइनाइट की मुझे जरूरत नहीं, उसको वी इनफाइनाइट की उधर जरूरत रहती है वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम में, बट रेडॉक्स स्टेटस में वी इनफाइनाइट की मुझे कोई भी जरूरत नहीं होती है, सिंपल सा होता है। ठीक है, तो इसमें मुझे करना क्या था, अगेन मुझे करना नहीं है, इसी रिएक्शन को अगर मैं लिखता हूं, ट्वाइस ऑफ H2O2 गैस एक्वस, ठीक है, टेंड्स टू गिव ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड प्लस O2 गैस, ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है,
क्योंकि आप समझ रहे हो टी इनफिनाइट तक तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता ही नहीं है क्योंकि क्विक रिएक्शन होती है, ठीक है, तुरंत तुरंत होती है, तुरंत तुरंत क्या होती है इनके इक्विवेलेंस बराबर भी हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या कर देते हैं इक्विवेलेंस एक दूसरे को बराबर कर देते हैं, तो एक समय के बाद ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे कभी ना कभी हर किसी किसी ना किसी वॉल्यूम पे, तो वी इनफिनाइट की मुझे इस जगह पे जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जो मुझे किसी टाइटस में पर्टिकुलर कलर चाहिए होता है एक समय के बाद मुझे मिल ही जाता, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो दैट वाज माय मिस्टेक सॉरी। तो आप बोल सकते हो वी इनफिनाइट की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, वी नॉट एबिलिटी से काम चल जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं हमेशा क्या करता था सेम टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे ए नॉट था तब ये 0 0 था, t equal to t पे यहाँ पे क्या था a not minus 2x था तब ये कितना था a not minus 2x था तो ये मेरा x 2x था तो ये मेरा कितना होगा x होगा, और k equal to again 1 by t ln a not by a not minus 2x, ठीक है। अब आपको करना क्या है इस a not को v not और vt x को v not और vt से क्या करना है replace करना, ठीक है, क्या करना है replace करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है इक्विवेलेंस का फॉर्मूला होता है n फैक्टर इनटू मोल्स, ठीक है, या होता है nv, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। मुझे पता है t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे समझना, t इक्वल टू 0 पे आपके पास क्या है सिर्फ आपके पास होगा t इक्वल टू 0 पे मान के चलो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं a नॉट जो बराबर होगा मेरा, ठीक है, a not into n factor, मुझे नहीं पता कि इसका n factor कितना है, से मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, वो किसके बराबर होगा n v not के बराबर, ये reducing agent होगा क्योंकि हर point पे हर time पे reducing equivalence of reducing agent equivalent of oxidizing agent, तो equivalent of oxidizing agent equal to equivalent of reducing agent होगा, ठीक है। और time t पे मेरा कितना हो जाएगा again time t पे आप देखो time t पे आपके पास क्या है a not minus 2x है, आपको बराबर इसी को करना है, आपको बराबर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को ही स्टडी करनी है, तो या अगेन मेरा क्या हो जाएगा n फैक्टर इनटू a नॉट माइनस 2x, इसको मैं किसके बराबर कर सकता हूं n इनटू vt, क्योंकि एट टाइम t केमेनोफोर का वॉल्यूम कितना था vt था, तो मैं क्या कर रहा हूं इस इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहा हूं 1 से, डिवाइड किया 2 को 1 से, तो n vt / v नॉट n v नॉट ये किसके बराबर हो जाएगा n फैक्टर इनटू a not minus 2x by n factor into a not n ये cancel, मतलब ये वह कि redox titration method के लिए first order की kinetic study करने के ना तो मुझे n factor की जरूरत होती है ना ही मुझे n की जरूरत, तो मुझे सिर्फ मतलब किससे होगा oxidizing agent या जो भी मैं beaker में जो भी मैं burette में ले रहा हूँ उसके different interval time of volume की मुझे जरूरत है, इस तरीके से मेरे क्या अब ये मेरा replace नहीं हो सकता a not by a not minus 2x को मैं नहीं replace कर सकता v not by vt से, तो आपके पास formula क्या होगा k equal to 1 by t ln v not by vt, ठीक है, क्या मेरा इस तरीके से नहीं बनेगा formula, ठीक है। तो अब आपको क्या दिया रहेगा आपको question में ये सब volume दिया रहेगा, you can easily solve it, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो इसके ऊपर एक छोटा सा question कराता हूँ कि देखो कभी कभी क्या होता है आपको कुछ चीजें डिफरेंट करके भी दे सकता है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन में लिख देता हूं, सपोज करो क्वेश्चन में मेरा a tends to 4b plus 3c, a tends to 4b plus 3c, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, बोल रहा है reagent reacts with a b as well as c, a b as well as C, A, B as well as C and their M factor are and their N and their M factor are in ratio 2:3:5 if V not क्या है volume required at t equal to 0 and vt volume required at t equal to t derive expression आपको derive करना है तो आप कैसे करोगे ठीक है अगेन करना आपको कुछ नहीं है अगेन वही दो method 4b plus 3c
इक्वल टू जीरो पे आपका यहाँ क्या होगा ए नॉट दिस दिस कैंसल, और t इक्वल टू टू पे क्या होगा ए नॉट माइनस एक्स फोर एक्स थ्री एक्स। मुझे करना कुछ नहीं है, चलो t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इसका n फैक्टर, इसका 2 है, इसका 3 है और इसका 5 है, तो t इक्वल टू जीरो पे a का जो होगा सी एज वेल देयर n फैक्टर आन इन रेशियो इन द वॉल्यूम, ठीक है मुझे नहीं पता टाइम t पे ये क्या, मैं इसको n फैक्टर इसका कितना 2k सपोज करो रेशियो में, तो 2k इनटू a नॉट इसका इक्विवेलेंट ये होगा, क्योंकि मैं कोई रिएजेंट यूज कर रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका n v नॉट मैंने मान लिया, कोई नॉर्मलिटी n यूज किया जिसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरा v नॉट हो जाएगा, ठीक है, मतलब मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया, देखो अभी तक यहां पे n फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ी थी मैंने आपको बोला, लेकिन कभी-कभी आपको n फैक्टर दे भी दे तो भी हमको कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं, आपके इस क्वेश्चन में आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं tm टाइम t की बात करता हूं, टाइम t की अगर मैं बात करूं, लेट्स से टाइम t की अगर मैं बात करता हूं, तब आपके पास कौन कौन सा होगा, तब ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। मैं ऐसा मानता हूं, सपोज करो मैंने ऐसा माना कि ये वाले क्वेश्चन में मुझे इनकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी, इनके n फैक्टर की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता है KMlO4 जो है सिर्फ H2O के साथ रिएक्ट करता है, इनके साथ रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर मान लो n फैक्टर आपको रेशियो में दे दिया, इसका मतलब जो भी मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है वो इन तीनों के साथ रिएक्ट करता है, तभी टाइम टी पे इन तीनों का n फैक्टर क्या होगा, यूज होगा। तो क्वेश्चन में कभी कभी जब आपको n फैक्टर तीनों का दिया रहेगा, इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, मतलब एक रिएक्टेंट से ज्यादा, मतलब हो सकता है रिएक्टेंट के साथ भी रिएक्ट कर रहा हो, प्रोडक्ट के साथ भी रिएक्ट कर, ऐसा बोल सकते हो। कि कहने का मतलब क्या कि कभी याद रखना, कभी भी किसी क्वेश्चन में n एक से ज्यादा n फैक्टर दिया रहेगा, मतलब रिएक्टेंट के अलावा प्रोडक्ट का भी n फैक्टर दिया रहेगा, तो आप ये समझ लेना कि उस केस में टाइम t पे आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के n इक्विवेलेंस को इंक्लूड करना है, इसका मतलब दोनों के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं 2k a नॉट माइनस x प्लस 4k इंटू 4x प्लस 3k इंटू 3x इज इक्वल टू किस क्या होगा n vt के बराबर होगा, किसके बराबर होगा n vt के बराबर होगा। आई बात समझ में, कोई डाउट नहीं आता, अब कुछ नहीं फॉर्मूला तो मेरा अगेन क्या रहता है a नॉट बाय a नॉट माइनस x, तो मुझे a नॉट और x की वैल्यू क्या करनी है निकालनी है, चलो ठीक है निकाल के देखते हैं। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 2k a नॉट माइनस 2k x प्लस 16k x प्लस 9k x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा n v t के, और 2k a नॉट को मैं किसके लिख सकता हूँ n v नॉट के बराबर लिख सकता हूँ n v नॉट, ठीक है ये हो जाएगा 16 और 9 कितना होता है 16 और 9 होता है 25, तो प्लस 23 kx is equal to क्या हो जाएगा n vt के बराबर हो जाएगा, n vt के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू कितनी हो n vt minus n v not, n vt minus n v not by 23k, by 23k, और x की वैल्यू इतनी हो, तो a not की वैल्यू कितनी हो a not की वैल्यू n v not by 2k, तो ln का फॉर्मूला क्या होता है 1 ln सॉरी रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर 1 by t ln a नॉट by a नॉट minus x, ठीक है अगर मैं इसे पुट करता हूं तो मान लो ये क्या बनेगा मेरा, ठीक है तो k 1 by t ln a नॉट मेरा कितना है n v नॉट by 2k divided by n v नॉट by 2k माइनस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी n v t माइनस माइनस ऑफ n v नॉट बाय 23 k कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन आपका आएगा ln, अगर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ओवरऑल वैल्यू जो ये जो आएगी n भी कैंसिल हो जाएगा, देखो n n n n कैंसिल हो जाएगा, तो 23 v नॉट बाय 7 v नॉट 27 v नॉट माइनस 4 v t माइनस 4 v t, क्योंकि n और k दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपसे ऐसे भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बस आपको सिंपल फंडा याद रखना है,
अगर एक से ज्यादा एन फैक्टर दिया है, इसका मतलब यह है कि जो भी आपने रिएजेंट मतलब जो भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो, इसका मतलब एक से ज्यादा रिएक्ट कर रहा, मतलब हो सकता है रिएक्टेंट के साथ भी रिएक्ट कर रहा, तीन प्रोडक्ट है तो तीनों के साथ रिएक्टेंट मतलब यूज कर रहा, तो तीनों के एन फैक्टर वो देगा क्वेश्चन में। तो ये पहचानने का तरीका होता है। तो इस तरीके से कुछ नहीं, वो जिसके साथ रिएक्ट करेगा ना, मान लो चार के साथ मतलब टोटल रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिला के आपके पास छह है सपोज करो या पांच है, उसने चार एन फैक्टर दिया हुआ है, तो चारों के इक्वेशन में यहाँ पे आपके आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है, एनबीटी के बराबर करना है, क्वेश्चन खत्म। इतना ही से ज्यादा आपसे पूछता है, इससे ज्यादा पूछता नहीं है। तो ठीक है, ये आपका तीसरे टाइप का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। ठीक है, चौथे टाइप का प्रॉब्लम जो है बनते हैं, ठीक है, ठीक है, फोर्थ टाइप का जो आपका बेटा प्रॉब्लम है वो है आपका एसिड बेस्ड हाइड्रेशन मेथड। ठीक है, मतलब नेक्स्ट मेथड आता है एसिड बेस हाइड्रेशन मेथड। एसिड बेस्ड हाइड्रेशन मतलब आपको पता है एसिड बेस एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें मेनली आपको इसमें एक प्लस पॉइंट क्या, इसमें एक ही रिएक्शन है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, बस यही आपको इस एसिड बेस्ड हाइड्रेशन मेथड में पढ़ना, बाकी आपके पास बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। मतलब CH2COCl2H5 tends to give H+, तो CH2COOH+C2H5OH+C2H5OH। ठीक है, तो कुछ नहीं, अगेन अब यहाँ पे क्या होगा, अब सोचो वहां पे भी V इन्फिनिटी, वहां पे क्या था, V0 भी था और V इन्फिनिटी नहीं थी इस केस में। ठीक है, रेडॉक्स हाइड्रेशन मेथड में V इन्फिनिटी नहीं था, और एसिड बेस मतलब जो मैंने वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम बोला था उसमें V0 नहीं था बट V इन्फिनिटी VT था। लेकिन इस केस में एक्सेप्ट इस केस में V0, V इन्फिनिटी और VT तीनों टर्म आएगा। तीनों टर्म क्यों आएगा मैं आपको बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपके ये बताओ इस पूरे रिएक्शन में आपका एसिड कौन सा दिख रहा है, एसिड ये है। इसका मतलब ये होगा कि जब भी मैं इसका टाइट्रेशन कराऊंगा तो किसके साथ कराऊंगा, किसी बेस के साथ कराऊंगा, तो क्या मैं बेस इनिशियल वॉल्यूम पे ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। क्यों ले सकता हूं? अब बोलोगे सर प्रोडक्ट तो टाइम जीरो पे बनता ही नहीं है, लेकिन आप एक चीज भूल गए, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट शुरू से लेकर अंत तक रहता है। इसका मतलब V इन्फिनिटी आपका बेस जो रिक्वायरमेंट होगा V0 में भी रिक्वायरमेंट होगा, VT पे भी रिक्वायरमेंट होगा और V इन्फिनिटी पे भी रिक्वायरमेंट। इसलिए मैंने आपको बोला था इस मेथड के लिए तीनों का वॉल्यूम, तीनों टाइम पे वॉल्यूम आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल सा ऐसे, अगर KM तीनों टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी, A0 0 0 टाइम T पे ये कितना हो जाएगा, A0 - x x x और टाइम इनफिनिट पे आपको क्या हो जाएगा, 0 x। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये भी A0 हो जाएगा और ये भी A0। मतलब मुझे सिर्फ इससे, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं, या तो इससे मतलब है या तो इससे मतलब, बाकी चीजों से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं काइनेटिक्स ऑफ द अबव रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ द अबव रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ द अबव रिएक्शन इज स्टडीड बाय काइनेटिक्स ऑफ द अबव रिएक्शन इज स्टडीड बाय titrating the given reaction, titrating the given reaction mixture with a standard solution of base and volume of base required for titration at different time interval will be given in the problem
हमेशा जो जिस जिस टाइम पे हम वॉल्यूम यूज करेंगे बेस का, वो वॉल्यूम आपको बेस का हमेशा दिया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, वी नॉट मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बेस रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ बेस एट टी इक्वल टू जीरो रिक्वायर्ड फॉर टाइट्रेशन, ठीक है। और आपका क्या यूज होगा, वी टी यूज होगा, वी नॉट मैंने बोल दिया, क्यों, क्योंकि एच प्लस है तो थ्रू आउट द रिएक्शन वॉल्यूम का यूज होगा। तो वॉल्यूम द बेस एट टाइम टी इक्वल टू टी रिक्वायर्ड फॉर टाइट्रेशन, और वी इनफाइनाइट का मतलब ये होगा वॉल्यूम ऑफ बेस एट टाइम इक्वल टू इनफाइनाइट रिक्वायर्ड फॉर टाइट्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो इसका मतलब ये होगा जब टाइम जीरो होता, आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, इक्विवेलेंस एसिड और बेस के बराबर ही है। तो अब देखो टाइम टी जीरो पे आपके लिए एसिड कौन कौन सा होगा, इक्विवेलेंट ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि ये एसिड है, बराबर किसके होगा, इक्विवेलेंट ऑफ बेस के बराबर होगा, इक्विवेलेंट ऑफ कैटलिस्ट इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है। टाइम टी इक्वल टू टी पे इक्विवेलेंट ऑफ कैटलिस्ट प्लस, अब आपके पास थोड़े देर के बाद तो ये तो एसिड बन ही जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ CH2COOH इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है। तीसरा केस क्या होता है, टाइम इनफाइनाइट का अगेन, कैटलिस्ट तो आपका थ्रू आउट द रिएक्शन रहेगा, मतलब तीनों टाइम पे कैटलिस्ट तो रहेगा ही रहेगा, क्यों, क्योंकि भैया कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन कभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का कहलाता है, क्योंकि H+ रह के भी सेकंड ऑर्डर दिखने से भी फर्स्ट ऑर्डर का दिखता है, ठीक है। तो टाइम टी इक्वल टू टी पे इतना हो चुका है, ठीक है। दो पे चलो काम कर लेते हैं, दो तीसरे की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। और टी इक्वल लिख ही लेते, चलो टी इक्वल टू टी इनफिनिटी इक्विवेलेंट ऑफ कैटलिस्ट, इक्विवेलेंट ऑफ कैटलिस्ट प्लस इक्विवेलेंट ऑफ CH2COOH इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ये तीन इक्वेशन है, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा इक्वेशन है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन फ्रॉम वन पहले इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, पहले इक्वेशन से मुझे ये मिल रहा है कि इक्विवेलेंट ऑफ कैटलिस्ट किसके बराबर है मेरे पास, इक्विवेलेंट ऑफ कैटलिस्ट nv नॉट के बराबर, इक्विवेलेंट ऑफ बेस किसके बराबर हो जाएगा, nv नॉट, क्योंकि वॉल्यूम एट टाइम t इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, v नॉट, और nv मेरा क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट ऑफ बेस को क्या मैं इक्विवेलेंट ऑफ nv नॉट के बराबर कर सकता हूं, ठीक है। चलो फ्रॉम 2 मुझे क्या-क्या मिलेगा देख लेते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ कैटलिस्ट को क्या मैं क्या लिख सकता हूं, nv नॉट लिख सकता हूं, ठीक है। प्लस अब ये बना कितना, x मोल बना, तो n फैक्टर n into x मान लिया मैंने, n फैक्टर n माना, इसका मोल x इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, n vt के बराबर होगा, ठीक है। तो अगेन यहां पे x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई n vt माइनस n v नॉट बाय n आया, n vt बाय n, और फ्रॉम 3 थर्ड इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा, थर्ड इक्वेशन से मुझे मिलेगा कि अगेन n v नॉट इक्विवेलेंट ऑफ कैटलिस्ट प्लस n फैक्टर इनटू a नॉट, n फैक्टर इनटू a नॉट बन गया, क्योंकि यहां पे अब कितना है, इनफिनिट पे a नॉट है, मोल से a नॉट है, n फैक्टर n है, और ये क्या हो जाएगा, n v इनफिनिट हो जाएगा। तो a नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n v इनफिनिटी माइनस n v नॉट बाय n, तो क्योंकि मुझे k का फार्मूला क्या था, k 1 by t ln a नॉट बाय a नॉट माइनस x, तो 1 by t ln a नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, n v इनफिनिट माइनस n v नॉट by n divided by n v infinite minus n v naught by n minus x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है n v infinite minus n v naught by n, ठीक है, n by n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगा इसको सॉल्व करने के बाद ये जो बनता है ये एक्चुअली में बन जाता है 1 by t v infinity minus v naught by v infinity minus vt, जब इस पूरे इक्वेशन का आप सॉल्व करोगे तो k का फार्मूला ये बनेगा, ठीक है। अब सपोज करो मैंने ऐसा बोल दिया कि v ने मतलब इनिशियली कोई वॉल्यूम लिया ही नहीं उसने, मतलब जीरो, तो आपका अगेन फार्मूला कैसा बन जाएगा, v naught v infinity
बाय वी इन्फिनिटी माइनस वी टी, या बोल रहा है कि मान इन्फिनिटी पे वॉल्यूम मेरा जीरो है तो अगेन आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी नॉट माइनस वी टी बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखो वॉल्यूम ऑफ में क्या था, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम में अगर आप गौर से देखो, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम में आपका फॉर्मूला आया था क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम नहीं था गैस का, तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, वी इन्फिनिटी माइनस वी टी, और मेरा रेडॉक्स सैचुरेशन में क्या था, रेडॉक्स सैचुरेशन में मेरे पास जो था वो वी इनफाइनाइट नहीं था, वी इनफाइनाइट नहीं था तो मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा था, वी नॉट बाय वी टी बन रहा था। आई बात समझ में, तो ये मेरा एग्जैक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट बाय वी टी। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा कि आखिर मैं ये रेशियो कितना लू, ठीक है, मतलब व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन वी इन्फिनिटी, क्वेश्चन आपको ये है, ठीक है, कि व्हाट शुड बी, क्वेश्चन आपसे इसमें जनरली कैसा पूछेगा, व्हाट शुड बी रिलेशन बिटवीन वी नॉट वी इन्फिनिटी एंड वी टी इफ 50% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड, 50% आपका रिएक्शन अगर कंप्लीट हो चुका है तो वी नॉट इन्फिनिटी वी क्या रहेगा, सिंपल सा है, अगर यही 50% मैं इसके लिए अप्लाई करता था तो याद करिए ए नॉट टी हाफ पे ए एक्स की वैल्यू क्या जाती थी, ए नॉट बाई टू, तो ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू की वैल्यू क्या जाएगी, ए नॉट बाई टू, और ये टू ऊपर चला जाएगा, ए नॉट एन क्या जाएगा कैंसिल, मतलब ये ओवर रेशियो में एल एन टू आ जाता था, कितना आता था एल एन टू, इसका मतलब सेम ये क्या होता है एल एन में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट बाय वी इन्फिनिटी माइनस वी टी किसके बराबर हो जाएगा, टू के बराबर हो जाएगा, तो वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट बराबर होगा ट्वाइस ऑफ वी इन्फिनिटी माइनस ट्वाइस ऑफ वी टी, तो ये इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वी टी माइनस वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, वी इन्फिनिट हो जाएगा, तब ये जाके मेरा कितना रिएक्शन होगा, 50% रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अगर मान लो 75% हो गया, 75% होने के बाद मतलब यहाँ 1/4 बचता, 1/4 बचता था, तो ये कितना जाता था, और ये वैल्यू उसके बराबर कर देना, तो 75% बोले 99% बोले कुछ नहीं, यहाँ पे रेशियो रखो, उस रेशियो को वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट बाय वी इन्फिनिटी माइनस वी टी के बराबर कर दो, यू विल गेट योर रिलेशन। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है, लास्ट आपका कौन सा टॉपिक है, लेम होता है।